कारगिल में मिली जीत को आज 23 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के 7 जवानों ने भी युद्ध में अपनी शहादत दी थी, जिनकी जीत को लेकर अल्मोड़ा में शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अल्मोड़ा की सैन्य टुकड़ी ने शहीदों के सम्मान में सलामी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम वदना ने कारगिल में शहीद वीर सपूतों के परिजनों, वीरांगनाओं और घायल जांबाजों को सम्मानित किया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। शौर्य दिवस हर साल 26 जुलाई को वो इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन कारगिल विजय हमने प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर, और इस युद्ध में हमारे 527 जवान पूरे देश के शहीद हुए थे। 1300 के लगभग घायल हुए। 2 महीने के ऊपर तक ये युद्ध चला, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए, जिसमें 7 हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जमात सिपाही। हमारे उत्तराखंड के लगभग 75 जवान शहीद हुए थे इस वॉर में, और उसमें से अल्मोड़ा के भी 7 जवानों ने अपनी श्रद्धांजलि दी थी। अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया था इस वॉर के अंतर्गत। उन सभी को हम लोगों ने श्रद्धा समर्पित